Hey guys, welcome back to the channel. My name is Zankan and you are watching me. तो गाइज वेलकम टू द डेली ब्लॉग सीरीज गाइज. अभी हम लोग उठ चुके हैं, सुबह 5 बजे उठे थे हम लोग, अब बज चुका है 5:30 क्योंकि हम लोग ने पढ़ा नमाज और ब्रश वश किया. ठीक, तो अब बज चुका है 5:30, तो अब हम लोग चलते हैं गाइज. अपना जो है आज हम लोग करेंगे बाइसेप का वर्कआउट, तो तुम बोल लो तो तुम लोग वो देखो. ठीक है गाइज, तो चलो चलते हैं. तो गाइज हमने जो है अपना वर्कआउट आज कर लिया है बाइसेप का, उसमें हम लोग ने करी 4 एक्सरसाइजेस, 4 वर्कआउट किए हमने सबके, मतलब 2-2 सेट लिए हम लोग ने और ज़्यादा नहीं, 12-12 रेपिटेशन हम लोग ने ली है उसकी. तो गाइज अब जो है हम लोग तुमसे नहा वहा के मिलते हैं. गाइज हम लोग ने मिट्टू को भी बिस्कुट दे दिया है जो कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है गाइज. तो अब हम लोग फाइनली इंटेक करेंगे अपना क्रिएटिन. चलो तो गाइज मैंने क्रिएटिन इंटेक कर लिया है, अब हम लोग चलते हैं अपने लिए कुछ बनाते हैं खाने के लिए. एक टॉप नंबर कोई मिल गया. अभी देखो अभी जो टाइम है वो मेरी मील होगी चिकन ब्रेस्ट होगी, उसको अच्छे से हम लोग चिकन मसाला रहता है उसमें डिप करेंगे और क्या बोलते हैं उस पर डालेंगे हम लोग सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट, 2 चीज़ डालेंगे और फिर उसको हम लोग घी में फ्राई कर देंगे. ठीक है, फिर हमारी मील रेडी हो जाएगी. तो चलो उसको बनाता हूँ और फिर तुम लोग से मिलता हूँ. ठीक है गाइस, लेट्स गो. ये है चिकन, अब इसको जो है हम लोग पहले करेंगे वॉश और इसमें से निकालेंगे हम लोग 100 ग्राम चिकन और फिर उसको जो है हम लोग सीधा बनाएंगे मैरिनेट. इसमें करने की झंझट नहीं रहती इस रेसिपी में, इसीलिए 10 मिनट रेसिपी है गाइस. गाइस हम लोग ने चिकन धो लिया है, अब जो है हम लोग इसमें लगाएंगे मसाला. सारा मसाला रेडी करते हैं और फिर लगाते हैं इसको पहले कट करते हैं. गाइस हमने जो है इसको जो है देखो कट वट कर लिया था, ये देखो दिखा रहे हैं यहाँ पे, इसमें देखो ये कट विच देखो ये देखो. तो अब बारी है, इसको हम लोग ले रहे हैं 100 ग्राम, देखो 41 ग्राम की कटोरी है और बाकी ये चिकन जो है 100 ग्राम है. ठीक, तो अब इतना चिकन हम लोग जो है बनाएंगे क्योंकि 100 ग्राम ही है एक मील टाइम पे, फर्स्ट जो मील है उसमें 100 ग्राम लेना है. ठीक, तो अब इसमें हम लोग लगाएंगे मसाला गाइस, उसके बाद जो है फिर हम लोग इसको घी में फ्राई करेंगे. तो चलो अब लगाता हूँ इसमें मैं मसाला. पहले जा रहा है चिकन मसाला. ठीक है, अब सब पे पहले अब डालेंगे हम लोग इसमें नमक और ब्लैक पेपर. ठीक, तो अब मैं इसमें डालता हूँ नमक और ब्लैक पेपर. ये रहा ब्लैक सॉल्ट और ये रहा नमक, तो हम लोग डालते हैं पहले नमक. अब हम लोग डालेंगे इसमें ब्लैक सॉल्ट. तो अब सेम प्रोसीजर जो है इन दोनों को पलट के करेंगे गाइस, जैसे जो था दोनों को पलट के भी इसमें नमक और ब्लैक सॉल्ट डालेंगे, फिर उसके बाद मैं तुम लोग से मिलता हूँ. तो गाइस इस पे जो है हम लोग ने मसाला अच्छे से लगा दिया है इस पे और इस पे, तो हमने दोनों टाइम का जो है अपना मील रेडी कर लिया है, शाम का भी और अभी का भी. दोनों जो है 100-100 ग्राम है गाइस और ये जो है ये एक्स्ट्रा पीस है, तो इतना जो है 100 ग्राम है और ये एक्स्ट्रा पीस है और ये जो है 100 ग्राम है. ठीक, ये अभी हम लोग खाएंगे. तो अब इसको हम लोग करते हैं फ्राई घी में. तो चलो अब मैं घी और पैन को रेडी करता हूँ और तुम लोग देखो उसको. तो तुम लोग जो है बस 1 स्पून या 2 स्पून घी डालना, उससे ज्यादा नहीं गाइस. गाइस हमने इसमें घी डाल दिया है और अब जो है हम लोग इसमें फ्राई करेंगे चिकन ब्रेस्ट को. ठीक है गाइस, लेट्स गो. तो गाइस हमने चिकन को फ्राई करने के लिए रख दिया है, अब इसको 5 मिनट फ्राई करने के लिए रख देना
एक साइड का जो 5 मिनट हो जाए फ्राई, फिर उसके बाद जो उसको पलटना और फिर जो है दूसरी साइड को 5 मिनट फ्राई करना और ये तुम्हारा चिकन ब्रेस्ट की रेसिपी रेडी है। तो गाइस 5 मिनट हो गया है, अब हम लोग इसको पलटेंगे और दूसरी साइड का फ्राई करेंगे। तो गाइस हमने पूरा चिकन पलट दिया है, अब 5 मिनट वेट करते हैं और उसके बाद जो है हमारी रेसिपी रेडी हो जाएगी, फिर हम लोग सीधा सर्व करेंगे और खाएंगे इसको। गाइस तो गाइस हम लोग ने इसको अच्छे से सर्व कर लिया है और अब हम लोग चल रहे हैं इसको खाने। गाइस तो गाइस ये है हम लोग का 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट जो कि अभी हम लोग को खाना है और इसके साथ हम लोग ने ले लिया है जूस। तो अब चलो खाता हूँ और बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। गाइस वैसे तो कल हमने खाया था, बहुत अच्छा था, इसीलिए मैंने बनाया है, तो आज बताता हूँ आज कैसा बना है। गाइस मोमेंट ऑफ ट्रूथ, गाइस मोमेंट ऑफ ट्रूथ, आज भी अच्छा बनाया है गाइस, बहुत एक नंबर, बहुत एक बार खा लो, बता रहे बहुत अच्छा चिकन मसाला का फ्लेवर आ रहा है, नमक भी परफेक्ट है और ब्लैक सॉल्ट भी परफेक्ट, सब चीज़ परफेक्ट है गाइस। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि तुम लोग जब बनाना तो जब पानी जो रहता है जब धोगे ना उसको सही से हटा देना, ठीक, तो और अच्छा तुम लोग को जब ड्राई रहेगा ना और अच्छा लगेगा, ठीक है गाइस। तो चलो इसको खा के फिर तुम लोग से मिलता हूँ गाइस। हमने जो है अभी का अपना मील ले लिया है, तो यही जो है पूरी रेसिपी है इसकी और मैं जो है रेसिपी को डिटेल में इसमें क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में पूरा बता दूंगा। अगर तुमको ऐसे नहीं समझ आए तो डिस्क्रिप्शन में अच्छे से पढ़ लेना, वो तुम्हें फिर समझ आ जाएगी गाइस। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, मिलता हूँ तुम लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अच्छा अच्छा एंड बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल गाइस, बाय बाय।